So this video is gonna be a Nepal vlog, and we are so excited. Yes, we both are so excited, and we all are just ready to go. So let's begin our journey. हम लोगों ने नेपाल में एंट्री कर ली है और हम बॉर्डर ये क्रॉस करने वाले हैं, क्रॉस कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और हर जगह हमारी चेकिंग हो रही है। अरे कहना क्या चाहते हो, हमारे का चेकिंग हो रही है सारी चीजें। तो अभी हम रुके थे तो पीछे कार में चेकिंग किया जा रहा है जो कि ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके आगे जा रहे हैं। गाइस, अब हम लोग नेपाल के बॉर्डर को क्रॉस करके आगे आ चुके हैं, और अभी हमारी कार यहाँ पे रुकी हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे हम लोग उतरे हैं भंसाल बनवाने के लिए। भंसाल बोले तो पासपोर्ट। तो जैसे कि लाइक अगर आप किसी भी अदर कंट्री में जाओ तो आपका वीजा पासपोर्ट या कुछ ऐसा लगता है एक्सेस, तो यहाँ की नेटिव लैंग्वेज में उसको भंसाल बोलते हैं पासपोर्ट या वीजा को। तो अब हम चलते हैं, दिखाते हैं कि वो कैसे हो रहा है। तो ये देखिए गाइस, नेपाल फ्लैग आपको अगर दिख रहा हो तो वैसे आप व्हाट्सएप के इमोजी में भी जाकर देख सकते हैं नेपाल फ्लैग। गाइस, आपको नेपाल में आके कैसा लग रहा है? हम लोग खड़े खड़े होते होते बोर हो चुके हैं एकदम। गाइस, अभी आगे अच्छा लगेगा, अभी यहाँ पर गर्मी लग रही है। आप बताइए गाइस कैसा लग रहा है? गर्मी है, गर्मी है, बस गर्मी हो रही। और कुछ नहीं, ऐसा अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही यहाँ के नेपाली लोगों को देख के। और पापा के पास अभी नेपाली करेंसी भी आ गई है, 5,000 रुपीज की एक्सचेंज कर लिए, और वो नेपाली करेंसी इतनी मतलब ऐसे पेज टाइप की है कि क्या बताएं, एकदम ऐसे पेपर लग रहा है, पतला सा एकदम। तो गाइज, यहाँ पे ये इंडियन करेंसी को हम लोग जा रहे हैं एक्सचेंज करने, और ये आई गेस ऑलमोस्ट बहुत मतलब ऐसे दिल में दर्द हो रहा है कि ये 15,000 पूरा है, और आई थिंक 15 या 10,000 है, और ये अभी चेंज हो जाएगा, उसके बाद ये पूरी ऐसी नोट हो जाएगी जो मुझे नहीं लगता है मेरे कुछ काम की है। क्यों नहीं काम किया, यहाँ नेपाल में रह रही हो, नेपाली करेंसी तुम्हारे काम की, नेपाली करेंसी। खैर, अभी हमसे दूर होने वाली है, अभी हमसे दूर होने वाली है, नेपाली करेंसी में नहीं। गाइज, जितनी देर यहाँ पे ये भंसाल का प्रोसेस चल रहा है, लाइक हमारे वो वीजा पासपोर्ट व्हाटसो एवर वो रेडी हो रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ जो अब तक मैं नहीं बताई, और वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जो कि है आज के टाइम पे क्या इम्पोर्टेंट है लोगों के उसमें, लाइक सोशल मीडिया नेटवर्क, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्टेटस अपडेट करना, और ये सब सोशल सारी चीजें। बट जैसे ही हम वहाँ पे एंट्री कर रहे थे बॉर्डर के पास, वहाँ हम जैसे एंट्री किए, स्पेशली मेरा तो सबसे पहले, बिकॉज मेरा जियो का सिम था, और मेरा जियो का सिम था तो सबसे पहले मेरा नेटवर्क गायब हो गया, उसके बाद धीरे धीरे करते करते सबका गायब होता गया। बट हाँ, एयरटेल में शायद अभी भी है, एयरटेल में अभी भी शायद नेटवर्क है, बट अब खत्म हो गया। अगर आप नेपाल बॉर्डर को क्रॉस कर दोगे खत्म हो जाएगा। ओके, सो मेरा तो सबसे पहले यहाँ पे सिम से नेटवर्क गया, जैसे ही मैंने सोचा लाओ मैं स्नैप पे अपडेट करती हूँ, थोड़ा सा वीडियो लोकेशन शेयर करती हूँ, मैंने देखा खत्म, टाटा बाय बाय हो गया था, और एकदम ऐसे धक सा लगा कि अरे नेटवर्क चला गया, अब कैसे रहेंगे। और बट अगर आपको चाहिए, जैसे अगर आपको इमरजेंसी या बात करनी है, तो यहाँ पर नेपाली ऑब्वियसली बात है सिम मिलता है, कॉस्ट शायद 200 या 300, नॉट मोर देन दैट, और 200 या 300 में आप नया सिम लेना चाहो तो ले लो, बाकी आप जिस भी होटल में लॉज में या जहाँ पे भी आप रुकोगे वहाँ पे वाईफाई रहेगा। मेरे पास डाउनलोड किया है मैंने भिंडी की सब्जी, पराठा, चाय, सिंचन, ओह माय गॉड, क्या कॉम्बिनेशन। तुम्हें क्या खाना है? अरे वो है ऑप्शन में, वो हमेशा रहेगा। अभी तुम बताओ तुम्हें क्या मन हो रहा है खाने का? कि एक रूम मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, उसमें हम लोग खाएं। हाय फ्रेंड्स, व्हाट अबाउट यू? वॉशरूम जाने का मन हो रहा है। आ गई करेंसी हमारी, ओके, 1000 ये
नेपाली एंट्री पास, नेपाली एंट्री। और ये सारे एंट्री मिले, हमारे इंडियन आरसी है, कार की, कार का पेपर है। अच्छा, कार के सारे पेपर्स इम्पोर्टेंट। तो बेसिकली ये है भंसाल। तो मतलब आप बताइए, आप हमारे ऑडियंस को बताइए, जब वो नेपाल आए तो उन्होंने, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट है? और ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, और अभी आधार कार्ड का यहाँ, अभी यहाँ पे कोई इशू नहीं। ये थोड़ी सी पीटी हो गई, हमारी कार रुक गई है अभी, और हम लोग ऐसे सीधे चलते जा रहे, चलते जा रहे, ऐसा लग रहा है कुछ खाने को बहुत दूर तक नहीं था। लिटरली अभी हम पानी और बिस्किट खाए। हम कौन सा बिस्किट? क्रैक जैक। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। और पहली बार मतलब ऐसा लगा कि अच्छा लगता है काफी, अगर आप लोग खाना क्रैक जैक और पानी। इट जस्ट बिकॉज ऑफ भूख बहुत ज्यादा लगी है इसलिए अच्छा लगा। फिलहाल हम लोग अभी सीधे चलते जा रहे थे तो कुछ खाने को नहीं मिला था। अभी एक छोटी सी दुकान मिली है जहाँ पे समोसा और चाय आई गेस है। फर्स्ट टाइम का मेरा भी एक्सपीरियंस है कि पता नहीं क्या होगा उस दुकान में, कैसे तेल का होगा, क्या होगा, किस तरीके का बना होगा। तो लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर कि कैसे होता है, क्या है। और धूप बहुत तेज है और बिल्कुल मन नहीं कर रहा निकलने का, बट निकलना पड़ेगा क्योंकि पूछ तो रही है वैसे कि क्या, कहाँ क्या होटल मिलेगा। लेट्स सी क्या है, कैसे। भैया समोसा कैसे है? 15 का 1 पीस। और पकौड़ी 20 के 3। और ये कितने का है? 60 रुपए। बहुत नेपाली यार, बड़ा सस्ता है। और ये हमारा आगे है छोला समोसा। अब एडवेंचर शुरू हो गया, बिकॉज बारिश यहाँ से शुरू हो गई है। और अब आप क्या कह रहे थे, 10 मिनट का रास्ता आधे घंटे का? 10 मिनट का रास्ता आधे घंटे में हम लोग ट्रेवल करेंगे। बहुत महंगा है, सब एकदम से परेशान बैठे हुए हैं, सबका मुंह उतर गया एकदम। साक्षी कैसा लग रहा है आज दिन भर बिना खाने के? खाने की और अपने इंडिया की। शुभी क्या खाओगी? अब
बता दूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे इंडियन मील इतनी ज़्यादा कॉस्टली है, इतनी कॉस्टली है, मतलब इसके पहले हम एक रेस्टोरेंट में रुके तो वहाँ पे जो मतलब एक थाल दे रहे हैं वो 250 के दे रहे हैं, और वो इतनी ज़रा सी सब्जी दे रहे हैं, और सिर्फ 3 रोटी दे रहे हैं, और चावल इतना सा, और दाल थोड़ी सी, और 250 रुपीज़ की। और उसमें मतलब ये है कि एक थाल में एक ही पर्सन खा पाएगा, उसमें अदर शेयरिंग भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ कॉस्टली है। हमारी थाल फाइनली आ गई है, और थाल में ऐसे जो एक्सपेक्टेड होता है कि पनीर की सब्जी होगी और कढ़ाई पनीर और ये वो होगा, ऐसा कुछ नहीं, ये सिंपल गोभी की सब्जी है, और ये आलू और भुर्जी है, और ये चपाती, ये सैलड। और अग्रिमा टेस्ट किया कैसा है खाना? अच्छा है। हम लोग काठमांडू पहुंच चुके हैं इतनी देर बाद, और यहाँ का वेदर काफी ज्यादा अच्छा है, और अभी अप्रोक्स बज रहे हैं 1:12 हो रहे हैं, और अब हम लोग ढूंढ रहे हैं अपना होटल कि कहीं मिल जाए। कोई नहीं है, नाइट आउट नाइट आउट कर रहे हैं। तो ये गाइस अभी बज रहे हैं 2:15, और आप देख सकते हो पूरी रोड खाली है, कोई नहीं है। अरे वो थोड़े बहुत तो आएंगे, लेकिन अभी तो पूरी रोड उस साइड की खाली, और अभी खाली थी, और अभी तक हमारा होटल अभी हम लोगों को नहीं मिला है। हाँ ठंडी है यहाँ पर काठमांडू में, और अभी तक हमारा होटल हमें नहीं मिला है। तो अच्छी बात ये था कि हम लोग उसी साइड मतलब उस साइड खाना खा लिए, सही टाइम पे खा लिए, वरना इधर तो कोई जो है पॉसिबिलिटी नहीं थी खाना खाने की, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो चुका है, और होटल भी हम लोग 3-4 गए, लेकिन उधर कुछ बंद है, कुछ फुल है, क्योंकि अब देर भी हो गई है काफ़ी, इसलिए कुछ फुल हैं और मिल ही नहीं रहे हैं। अभी मम्मी पापा गए हैं देखने के लिए, अब देखते हैं, होप सो मिल जाए वहाँ पर। तो फाइनली हम लोगों को होटल मिल गया है, और काफ़ी ढूंढने के बाद मिला है, और काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं वैसे, बहुत ज़्यादा। आर यू टायर्ड? ऑफकोर्स वो सबके चेहरे से ही पता लग रहा है। तो अभी हम आपको एक क्विक टूर दिखाते हैं, हाँ एक क्विक टूर दिखाते हैं कि हमारा रूम कैसा है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज हमारा डे 2 है इन काठमांडू, और हमारा पहला स्पॉट है पशुपतिनाथ टेम्पल, और हम लोग जा रहे हैं वहाँ। बट एक मतलब हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो मतलब जो टेम्पल है वो आपको अंदर से दिखा दे, बट अगर वहाँ की सिक्योरिटी टाइट हुई तो हम लोग आपको नहीं दिखा पाएंगे, पर बाहर से जितना बाहर से आउटलुक आपको दे रहे हैं, पता नहीं पॉसिबल हो पाएगा, वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विथ अस, और यहाँ से हमारी जर्नी का पहला स्पॉट शुरू होता है। तो ये देखिए, ये एंट्री वाला है, इधर से गाइस हमने ये फूल की डाली ले ली है, और ये अब हम लोग लेकर जाएंगे वहाँ पे चढ़ाएंगे, और इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग ये 150 की है ना, ये 150 की है। गाइस अब हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और ये यहाँ का एंट्री गेट है जिसको तोरण द्वार कहते हैं इन हिस्ट्री टाइम, और यहाँ पे ये लाइन लगानी पड़ेगी यहाँ पे दर्शन के लिए, बहुत लंबी लाइन लगी है उधर भी, ये पूरी लंबी सी लाइन लगी है। और अभी बज रहा है 12:22, और देखते हैं हम लोगों को कितने बजे दर्शन मिलता है। मम्मी क्या हो रहा है ये? सवाल की बत्ती का दिया जल रहा है, क्यों? क्योंकि मनोकामना पूरी हो गई, वो जला रहे हैं। सवाल आप तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जय शंकर भोलेनाथ शंकर जय निलोकनाथ शंभु रे शिवाय शंकर। का पूरा ऐसे व्यू है, ये इंसान बहुत तंग करता है, बहुत बहुत बकवास आदमी है ये इंसान।
ये ठीक है भाई, ये मोहतरमा बहुत शैतान आदमी है। और ये इन्हें तो भाई साहब कहना ही नहीं, शब्द ही नहीं है। और ये आगे जा रही है परेशान आत्मा पिंक कुर्ती में। ये है हमारा होटल जिसका नाम है व्यंजन मिष्ठान भंडार, और ये 100% प्योर वेज है। तो हम लोग यहीं पर जाएंगे और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, कैसे है। एक भैया सब्जी दाल सलाद चटनी चावल आएगा, रोटी रोटी नहीं आएगा, रोटी नहीं आएगा, रोटी आना चाहिए कितनी है? 20 रुपए एक पीस का। नहीं वो थाली बताओ जिसमें रोटी आती है। इंडियन थाली 350 है, नेपाली 350 है। हमारी थाल आ गई है और इसमें यहाँ पे ये चावल है, ये रसगुल्ला है, और ये दाल है, नहीं ये दाल है, और ये कुछ ऐसे रसे वाली ऐसे सब्जी है, ये आलू है, अचार, और ये सूखी सब्जी है, रोटी और ये चावल। जब हम लोग ने वहाँ से लंच करके हम लोग उठ चुके हैं और वहाँ से निकल के अब हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ पे हम लोग नेपाल का सिम ले रहे हैं बिकॉज आज हमें रात भर ट्रैवल करना है। कल भी हमने किया था रात भर ट्रैवल और आज भी करना है, तो वो सिम का होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पे हम दो सिम लेंगे और देखते हैं यहाँ पे सिम का कैसे है। क्या चुअर है? चुअर चुप रहिए आप तो। और अरे एक मिनट के लिए इससे वाईफाई ले लो ना। ये दुकान है, माइक्रो है। तो गाइस फाइनली बज रहे हैं सुबह के 8 और हम लोग रात भर ट्रैवल किए, दिन में मतलब सुबह भी ट्रैवल किए, और 8 बजे हम लोग फाइनली पोखरा में आके फाइनली अपने होटल में आ गए हैं सुबह के 8 बजे। और इतना ज़्यादा टायर्ड है आपको मेरे फेस से पता चल गया होगा, पूरे 2 दिन से मैं नहीं सोई हूँ और बस ऐसे ही ट्रैवलिंग में बीत रहा है। या आई गेस बहुत सी लिया होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लिया होगा, तो वो सिर्फ 1 घंटे का नैप लिया होगा और उसके बाद सॉरी 1 घंटे का नैप नहीं होता, लाइक नींद थोड़ी बहुत लिया है 1 घंटे की, इससे ज़्यादा नहीं लिया है। और अब आए हैं यहाँ पे फाइनल अपने डेस्टिनेशन पे, और अब हम लोग पहले यहाँ पे सोएंगे और उसके बाद अपने आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे।